देख बहुत सकते हैं अच्छा एकदम लग रहा है। महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। महारानी लग रही होंगी मैं इससे निकल हाँ। रही। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी। आज के दिन की अभी अभी मैं मतलब बिल्कुल सोकर उठा हूँ और यहीं से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। नीचे काम स्टार्ट हो गया, आवाज आ रही होगी आपको गैलेंडर की। तो बस अभी नीचे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या काम होगा आज, कहाँ कहाँ तक पहुँच पाता है काम क्या नहीं। बाकी मम्मा यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े तय बना रही है, निकलते हैं नीचे। तो गाइस आज फाइनली अपना गेट भी लग जाएगा। अब हट जाओ, वेल्डिंग होगी, सिंगारी आएंगी मुंह पे। पहले से भागने लगा छत पे, वो उठा लाऊं कुंडे। जाओ जाओ चलो ऊपर जाओ, चलो चलो गेट लगेगा। कुंडे जरूर दे देना, कुंडे। जाओ जाओ जाओ। यही है अपना गेट जो कि लगने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब तो फिक्स है, है? अब तो फिक्स है बिल्कुल। दो दबाना देख ले। तो भाई साहब फिलहाल हो चुका है दोपहर का टाइम और अभी जो कारीगर हैं वो खाना खाने के लिए गए हैं और जो हमारी सबसे बड़ी हेडक थी गेट वो लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करने के बाद इसका नंबर आ ही गया और काफी अब इसमें महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अभी आपको तो पता है कि इसमें बहुत काम बाकी है, लेकिन लग गया ये चीज ठीक है, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं एकदम महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। महारानी लग रही होंगी मैं इससे निकल रही हूं तो। और सबसे बड़ी खुशी की बात फिर ये, इतने सारे डोर्स जो हैं इसके चढ़ चुके हैं, कितनी खुशी की बात है। जो दूसरे वाले आए ना वो काफी होशियार लग रहे हैं, काफी फास्ट भी लग रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, नजर न लगे उनको। तो नीचे के चढ़ा दिए तो आज हमें लग रहा है कि ऊपर के यहाँ के भी चढ़ जाएंगे, यहाँ के भी चढ़ जाएंगे, उम्मीद लग रही है कहीं तक। बस लाइट थोड़ा सा लाइट धोखा दे देती है वो चली जाती है लाइट की प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि किचन के डोर्स चढ़ जाएं और मायका वगैरह आकर रख गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर ये चढ़ गए तो फिर मायका तो लगने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 3 से 4 दिन में खत्म हो ही जाए काम पूरा, अंदर तक सब मिला के हो सकता है, उम्मीद लग रही है कुछ कुछ। और जब उम्मीद लग रही है तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ रही है, एक तो रमजान होते हैं और फिर अगर ये देखता है कि काम बेकार हो रहा है फिर हो नहीं रहा है तो फिर एनर्जी खत्म हो जाती है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है। और बताना, ये बताना हमारा गेट कैसा लग रहा है आपको? किचन आज और ज्यादा बिजी है, आज होटल से खाना लेकर आएंगे। हमारी आंटी जो है वो अलीगढ़ गई है तो आंटी के घर से भी आएगा नहीं, तो आज हमको होटल से लाना है। पापा तो नमाज पढ़ के आ भी गए हैं और हम तो घर पर ही पढ़ेंगे। अरे महारानी जैसी लग रही हो, झाड़ू लगाते पे भी। झाड़ू लगाते पे कौन महारानी लगता है? खानदानी नवाब लग रही हो। झाड़ू लगाते पे कौन महारानी लगता है? आप ठीक है, मैं जा रहा हूँ वुजू वगैरह करके नमाज पढ़ लेता हूँ सबसे पहले। महतरानी की जगह महारानी। तो ये है शाम का असर का वक्त और मैं आ गया हूँ यहाँ पर होटल पर, जैसे कि आप देख सकते हैं सामान लेने के लिए। तो ठीक है भाई साहब, फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मा साफ सुथराई कर रही हैं और यहाँ पर अभी मैं होटल से सामान लेकर आया हूँ, नारी और कचौड़ी और तंदूर। तो ये 3 चीजें लेकर आया हूँ, इससे अपना इफ्तार करेंगे आराम से। चलिए इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पर मम्मा ने कचौड़ी निकाल ली है, तंदूर निकाल लिए हैं, चटनी निकाल ली है, अब निकाल रही है नारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। आंखों में अशकों के नजराने लेकर, आंखों में अशकों के नजराने लेकर मैं आका की महफिल सजाता रहूंगा। ठीक है भाई साहब, फिलहाल अजान होने वाली है बस थोड़ी देर में। आज भी अल्लाह के करम से सारी चीज़ें हैं लगभग, कुछ चीज़ें रेडीमेड ले आए और बस
अभी थोड़ी देर में अजान हो जाए, जल्दी से डाल लें, आज रोजा लग रहा है, रोजी लग रहा है अभी तो आजकल। लास्ट ठीक है भाई साहब, आवाज आ चुकी है कि रमजान खोलो तब जल्दी से डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, अभी रात का वक्त हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं अपने नए किचन को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ मैगी खुद से, अभी अभी यहाँ पर मैंने इसको यूज किया। और एक छोटा सा काम और बढ़ गया, गेट पूरा नहीं पड़ पा रहा था तो यहाँ पर ये खोलना पड़ रही है टाइल, यहाँ की ये पूरा इतना खुल गया फिर से। सुबह को टाइल वाले मिस्त्री को फिर से आना पड़ेगा, उनको फिर से लगाएंगे, वो पूरा मतलब खुल नहीं रहा था तो इस चक्कर में दिक्कत हो गई, दोबारा से लगेंगे। यस, थोड़ा सा गद्दा तभी लगेगी। चलो जब तक हम यहाँ पर मैगी बना लेते हैं और जब तक ये भी अपने बर्तन वर्तन धो लेती हैं। एक पे एक काम बढ़ता चला जा रहा है, एक पे एक काम बढ़ता चला जाता है। फाइनली गाइस, बहुत ही मेहनत करने के बाद हमारा ये फल रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। भाई हमारे बच्चे ने बनाई है, हमने नहीं बनाई हुई। यस, ये हमने बनाई है, हमारे द्वारा कुक की गई है इसको। यस, चलिए अब जल्दी से इसको खाकर फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ देंगे, ठीक है। गाइस, सब कुछ खाने पीने के बाद हालत हो चुकी है डाउन, तो अब पढ़ेंगे आप लोगों के कमेंट और पढ़कर सीधा सो जाएंगे, जो कि यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है आकिब का, कह रहे हैं सलाम अलैकुम, कह रहे हैं नाइस ब्लॉग, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगला कमेंट है SRH का, कह रहे हैं भाई घर तो काफी बड़ा है आपका, तो ये मत कहिए घर छोटा सा ही है, शायद वीडियो में लग रहा हो बड़ा है, छोटा सा घर, छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली, छोटा घर। और कह रहे हैं मम्मा रोजे में भी कितनी मेहनत करती हैं आप, शुक्रिया आपका भाई हमारी तारीफ करने के लिए। अगला कमेंट है पाकिस्तान से जिग्गू ब्लॉग का, कह रही है ये बच्चों को पास्ता इतना पसंद क्यों आता है, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता है, बच्चे खाए बहुत है। क्या बताएं आपको, घर कंप्लीट हो तो हमें भी सुकून हो, बेचारी वो भी बेचैन बैठी है। अरे भाई अपने लोग तो मतलब उनकी परेशानी हमारी परेशानी। यस, तो हमारी तरह वो भी बेचैन है, तो बस दुआ कीजिए, हम भी दुआ ही कर रहे हैं। लास्ट कमेंट इमरान सैफी का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं मस्त ब्लॉग, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आज के ब्लॉग कहीं पे एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।